के सीज़न फोर का जो फेस है वो हमारे पास अभी तक लॉक हुआ पड़ा है एंड देन ये वाला जो फेस है वो हमारे पास सीजन फोर के अंदर देखने को मिला था ये ये वाला फेस तो ये वाला फेस हमारे पास सीजन फोर के अंदर देखने को मिला था एंड देन ये वाला फेस जो है वो हमारे गेम के अंदर कब और कैसे देखने को मिलेगा मतलब यार हमारे पास एम ट्वेल्व रॉयल पास के अंदर क्या ये वाला फेस आएगा और क्या या फिर हमारे पास बी देखने को, को मिलेगी तो क्या इस यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना बिना टाइम वेस्ट किए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं अपने आरपी की तरफ एंड आरपी पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है वो सीजन फाइव के हेयर्स और सीजन फोर के हेयर्स जो है वो हमारे पास देखने को मिले हैं एंड देन यहाँ पे अगर आप लोग क्रेड की बात करो तो यहाँ पे क्रेड पे हमारे पास सीजन ट्वेल्व और सीजन फाइव का देखने को मिलता है तो भाई इसकी लॉजिक एक साफ सा समझ में आ रही है कि यार एक सीजन आगे बढ़ता है और एक सीजन पीछे का आता है एंड देन पुराने जो है वो पीछे का पहला सीजन आता है एंड देन बाद वाला सीजन भी उसके अंदर देखने को मिल जाता है तो सीधी सी बात है यहां पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एम ट्वेल्व आरपी के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा सीजन थर्टीन का रॉयल पास एंड देन उसी के साथ साथ सीजन फोर का हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और सीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे अभी सीजन फाइव और सीजन ट्वेल्व की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है हमें सारी की सारी आरपी ट्रेजर बॉक्स के अंदर और आरपी ट्रेजर बॉक्स

एंड देन उसके बाद गाइज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सीजन थर्टीन का रॉयल पास पूरा का पूरा हमारे गेम के अंदर वापस से फॉल बैक जो भी हमारे पास करेगा यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये वाला ब्लू एवेंजर सेट हमारे पास देखने को मिलेगा नेबुला हीरो सेट और ये पूरा का पूरा रॉयल पास है जो कि हमारे पास इजीली देखने को मिल जाएगा हमें अपने एम ट्वेल्व रॉयल पास के अंदर अब मेन बात आती है भाई साहब हमारे पास हेयर्स और फेस की तो हेयर्स और फेस हमारे पास कब देखने को मिलेंगे अपने गेम के अंदर अगर आप लोग चलो और यहाँ पे अगर आप लोग अपीरियंस की बात करो तो यहाँ पे अपीरियंस पे देखने को मिलता है आपको एक अदर सीज़न फ़ोर का हेयर जो कि कितना ज़्यादा औसम है मतलब मैं ख़ुद जो है वो इसको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सीज़न फ़ोर के दौरान जो है वो ये लॉक हुआ था अब हमारे पास सीजन फोर का ये आरपी ट्रेजर बॉक्स देखने को मिला है तो शायद से ये वाला जो सीज़न फोर का फेस है सीज़न फोर का फेस और सीज़न फोर का जो हेयर है वो हमारे पास शायद से हमारे आर पी ट्रेशर आर पी के सेक्शन में रेडीम सेक्शन में मिलने देखने को मिल जाए अब अगर यहाँ पे फेस की बात करते हैं तो फेस भी हमें देखने को ईजिली मिल सकता है अगर हम लोग यहाँ पे जाके अपने आर पी की तरफ बात करें तो ये हमारे पास देखने को मिल जाएगा बारह सौ यू में और बारह सौ यूसी में हम लोग ईजिली जो है ये वाला फेस और ये वाला हेड गेयर और ये वाला जो फेस और हेयर है वो हम लोग इजीली रिडीम कर सकते हैं गाइस अब बात करते हैं अपने बी की तो बी के भी नेक्स्ट सीजन आने के चांसेस हैं लेकिन कोई दो चीज़ें ही आ सकती हैं या तो तो फेस आ सकता है या तो बी आ सकती है या फिर हेयर आएगा और या तो फिर जो है वो हमारे पास गेम के अंदर बी देखने को मिलेगी तो गाइस इन दोनों में से देखते हैं क्या सीन है ये पबजी मोबाइल जो है वो सीक्रेट रखता है ये किसी को भी नहीं बताता है तो होपफुली यार हमें बी और हमारे पास सीजन फोर का फेस वगैरह देखने को मिले क्योंकि बी जो है वो हमारे पास काफ़ी ज्यादा पहले आई थी सी, आ, सीजन सेवन आई थिंक सीजन सेवन में आई थी तो बी जो है वो हमारे पास सीजन सेवन में देखने को मिली थी और यहाँ पर जो है दोबारा से एक दफा आई थी बी जब काफ़ी ज्यादा लोगों ने रिडीम नहीं की थी क्योंकि आ, उन आ, मतलब काफी ज्यादा यूसी का था और यहाँ पे जो है बारह सौ यूसी का हमारे पास इजीली रिडीम हो सकता है तो रॉयल पास के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन अगर हमें रॉयल पास के बी एड नहीं देखने को मिली तो कब देखने को मिलेगी सी टू एस सेवन में हमारे पास गारंटीड चांस है कि पूरा का पूरा सीजन में हमारे पास जो है वो बी एड हंड्रेड परसेंट देखने को मिले मतलब हंड्रेड परसेंट तो नहीं यार हम लोग एटी परसेंट कह सकते हैं कि यार एटी परसेंट हमारे पास चांसेस है कि हमारे पास एटी परसेंट जो है वो हमारे पास बी एड देखने को मिले सी टू एस सेवन में तो ये थे हमारे पास जो है वो आर पी के लीगस और एम ट्वेल्व के अंदर जो है वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो जाके कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा और ऊपर कार्ड में भी लिंक दे दूंगा वो जाके इजीली आप लोग चेकआउट कर सकते हो और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लेना जाके ईजिली तो अगर इस बात करते हैं अपने सीजन फोर फेस की तो सीजन फोर का जो फेस है वो हमारे पास जो है वो आ, काफी ज्यादा पहले आया था मतलब सीजन फोर में ही आया एक ही दफा एंड देन उसके बाद ये वाला फेस जो है वो हमारे पास नहीं देखने को मिला है तो इसके चांसेस हैं एम ट्वेल्व आर के अंदर हमारे पास ये इजीली देखने को मिल जाए तो गाइस अब हम लोग जो है वो हम लोग चलते हैं यहाँ पे आर की तरफ एंड देन आर के अंदर अगर हम लोग अभी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास चल रहा है सीजन ट्वेल्व और यहाँ पे सीजन फाइव तो ये चीज़ें जो है, पास है हमारे पास वापस आ गई हैं एंड देन हमारे पास एम ट्वेल्व आर टी जो है ना उसके अंदर गारंटीड है मतलब एक तरह से लॉजिक अगर आप लोग लगाओ क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ एक तरह से अगर आप लोग लॉजिक लगाओगे तो आप लोगों को इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा आ, सीजन फोर और सीजन थर्टीन की जो हमारे पास रॉयल पास के एक्सक्लूसिव ट्रेजर्स वगैरह हैं वो हमारे पास इजिली जो है वो हमारे पास गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो गई फिलहाल अभी तक तो हमारे पास जो है वो प्रीमियम क्रेड की एक्सपायरी डेट जो है वो कन्फर्म हो चुकी थी एंड देन यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है एक अदर प्रीमियम क्रेड जिसके अंदर हमारे पास लक बार हटा के यहाँ पे कर दिया गया लक इंग्रेज दर्स ऑफ गेटिंग लेजेंडरी आइटम अगर हमारी लक जो है वो हंड्रेड परसेंट हो जाती है तो हमारे पास लेजेंडरी आइटम एक कंफर्म देखने को मिलेगा और यहाँ पे पोनी टेल देख सकते हो तो जस्ट आप ये देखो जस्ट एक सेकंड मैं सही से करके दिखाता हूँ इसको आ, ये आ, एक सेकंड ये अब देखो ये वाला जो आ, हमारे पास पोनी टेल है ये कुछ अलग टाइप का ही है एंड देन ये वाला जो है इसके ऊपर जो है वो रेड कलर का हेड गियर हमारे पास देखने को मिलता है मतलब ब्लू कलर का बनी टाइप का एक हेड गियर देखने को मिलता है और एक फे एक हेयर है जो कि कितना ज्यादा औसम लग रहा है मतलब इस ये वाला जो हेयर है वो चेक करो आप कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला हेयर मतलब ये पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है ये अगर हमारे पास गारंटीड आइटम में मिल गया ना मतलब काफ़ी ज्यादा ज़बरदस्ती बात हो जाएगी ओ भाई साहब ये देखो जिस तब मास्क देखो कितना ज्यादा औसम लग रहा है उसी के साथ साथ भाई साहब यहाँ पे एक एम फोर की स्किन है बैक कैप पे बैग है और हेलमेट है और यहाँ पे जो है दो मिथिक सूट हैं तो ये मिथिक सूट भी काफ़ी ज़्यादा सही है इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं खैर हमें देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे हमें जो है मौली की स्किन भी एक देखने को मिल जाती है तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही अगर हमारे पास जो है वो कुछ अदद अपडेट्स निकल के आती हैं पब्जी मॉल की तरफ से हेयर्स और हमारे पास हेयर्स और फेसेस के हवाले से तो मैं जल्द अज जल्द और जरूरी से uh, मैं वीडियोस बना के जो है वो आप लोगों के तक लेकर आ जाऊंगा उम्मीद है आप लोगों को आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी होप्स आप सभी को अच्छी लगेगी आज की वाली वीडियो अगर तो अच्छी लगी यार लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेलाइकन के साथ ताकि जब भी मैं वीडियो डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए बाय बाय